केंद्रीय कैबिनेट से नागरिकता संशोधन बिल को मंजूरी मिलने के बाद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल उठा दिया और बिल को संविधान के खिलाफ बता दिया। ओवैसी ने बिल के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए कहा कि ये बिल देश को इजराइल बना देगा। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर देश को एक धार्मिक देश बनाने का आरोप लगाया। इस तरह के कानून बनाने के बाद पूरी दुनिया में हमारा एक मजाक होगा अगर ऐसा कानून बनता है, और ये कानून बनाकर BJP सरकार एक मैसेज देना चाह रही है खास तौर से भारत के मुसलमानों को कि आप अव्वल दर्जे के शहरी नहीं, आप दूसरे दर्जे।